हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एप्रन की कटिंग करना सिखाऊंगी और सिलाई करना सिखाऊंगी किस तरीके से की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने कपड़े को दो भागों में रख लिया है। इसकी लंबाई मैंने 28 इंच रखी है, आप 30 इंच तक इसकी लंबाई रख सकते हैं। और इसको इस तरीके से दो फोल्ड में इस तरीके से बिछा लें और इसको बराबर कटिंग कर लें। अगर ये छोटा बड़ा है तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसको बराबर कर लिए। थोड़ा सा इधर से बड़ा था और यहाँ से हम इसमें निशान लगाएंगे। मैंने 5.5 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम चेस्ट में दो प्लस करके निशान लगाएंगे। जितनी भी चेस्ट है उसमें दो जोड़ के और इस निशान को इससे ऐसे तिरछा मिला लेंगे। और नीचे से ऐसे जितना हमने चेस्ट का लगाया है उतना ही लगा लेंगे और स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे सीधी और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से कटिंग करके ऐसे आपको दिखाई देगा। अब हम बचे हुए कपड़े में से पट्टियाँ काटेंगे। पट्टी की लंबाई आप 25 इंच तक रख सकते हैं और चौड़ाई में मैं 2 इंच कपड़े चौड़ाई में काट रही हूँ। आप 2 या 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं और 2.5 इंच तक चौड़ाई इसकी रख सकते हैं। इस तरीके से पट्टी मैंने काट ली है और ऐसे ही हम 3 पट्टी काटेंगे, एक गले में लगाने के लिए और 2 कमर में लगाने के लिए। ये हमने इस तरीके से काट लिए। अब मैं आपको एप्रन सिलाई कर कर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम कपड़े को सीधी तरफ से बिछा लेंगे और इसमें इस तरीके से पट्टी रखते हुए इसमें सिलाई करेंगे। पट्टी को हमें उल्टी तरफ रखना है, उल्टी साइड में इसमें सिलाई मारेंगे और फिर ये अंदर को फोल्ड कर लेंगे। इसको ये हमने सिलाई कर ली है। इसके बाद से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और इसमें सिलाई कर लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसमें बचा हुआ इसे हम काट लेंगे। पट्टी का कपड़ा है ये, इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे और इसे अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ ये इस तरीके से हमने दोनों साइड सिलाई कर ली है और ऊपर साइड में भी हम कपड़े को रखकर सिलाई करेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है और अब हमने जो ये पट्टियाँ काटी थी इसमें हम सिलाई कर लेंगे। इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर कर इस तरीके से इसमें सिलाई कर लेंगे और ये हमने 3 पट्टियाँ बनाई हैं, तीनों में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई कर ली है। सिलाई बिल्कुल
सीधी लगाएंगे इसमें बिल्कुल धीरे धीरे। सिलाई करेंगे ये सिलाई हो चुकी है हमारी। ये देखिए तीनों पट्टियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इन्हें एक साइड रख लेंगे और एप्रेन में पॉकेट लगाएंगे इसमें हम। ये हमारा देखिए सेंटर का निशान लगा लेंगे। पॉकेट के लिए कपड़े को चकोर काट लेंगे, जितनी बड़ी आपको पॉकेट चाहिए चकोर काट कर इसमें इस तरीके से बीच में लगाएंगे और चारों तरफ से चौक से निशान लगा लेंगे। चौक से निशान लगाने में सिलाई करने में आसानी होती है उसके ऊपर। ये हमने ऊपर से 10 या 11 इंच पर पॉकेट लगा लिए, उसके बाद हम ये पट्टी भी लगा लेंगे इसमें। तो मैं आपको पॉकेट सिलाई करके बताती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर से सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसे कपड़े एप्रेन के ऊपर रखेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसके ऊपर रखकर इसमें धीरे धीरे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको पॉकेट लगाने में परेशानी होती है और ढंग से नहीं लग पाती तो आप इसे पहले हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर मशीन चलाएं तो आसानी से पॉकेट लग जाएगी। ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हम साइड से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और नीचे भी एप्रन को मोड़ के सिलाई कर लेंगे तीनों साइड। अब हमने इसमें सिलाई कर ली है। अब हम एप्रन को सीधा करेंगे और जो हमारी पट्टियाँ थी उसमें से एक पट्टी को ये हम किनारे पर गले की साइड इस तरीके से लगाएंगे और एक दूसरी साइड लगाएंगे। इसे अंदर डालकर ऊपर से सिलाई कर लेंगे। सिलाई हम 2-3 बार इसमें पक्की सिलाई कर लेंगे ताकि खुले ना जब हम इसे बांधें। और इसकी दूसरा किनारा हम दूसरी साइड में रख के इसमें पक्की सिलाई कर लेंगे। ये हमारी गले में लग चुकी है और अब हम इसमें नीचे लगाएंगे जहाँ पे हमने ये तिरछी कटिंग करी थी इसके नीचे लगाएंगे। यहाँ पर भी आप पहले निशान लगा लें कि आपको कहाँ पे लगाना है, उसके बाद पट्टी को इसे अंदर डालकर इसमें ऊपर से सिलाई कर लेंगे। पक्की सिलाई करें दोनों साइड 2-3 बार इसके ऊपर सिलाई कर लें। इससे सिलाई खुलती नहीं है, बांधने में जब हम इसे बांधेंगे तो ये खुलेगी नहीं। ये हमारा एप्रन बनकर तैयार है। देखिए दिखने के बाद कुछ इस तरीके से है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।